नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पब्लिक मैटर में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी अपने कारनामों के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर यहां तैनात नर्स ने इसकी शान में एक और नगीना चढ़ दिया है। जी हां, कारनामा भी ऐसा कि यहां अस्पताल में भर्ती अस्थमा के मरीज को चिकित्सालय के स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया, जबकि वो ठीक ठाक था, लेकिन मौत की खबर आग की तरह रिश्तेदारों में फैल गई। इस बीच जब बेटे से मिले रिश्तेदारों ने सांत्वना जगाई तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि तब पता चला कि जिसकी दुनिया से रुखसत होने का मातम मना रहे हैं वो साहब तो जिंदा हैं। इस खबर से रिश्तेदारों और परिजनों में कोहराम मच गया, जिससे अस्पताल में काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। दरअसल लामाचौड़ में रहने वाले एक बुजुर्ग को सांस की दिक्कत है, जिन्हें 3 सितंबर को डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से वहां पर उनका इलाज जारी है और जैसे ही इस बीच उनके रिश्तेदार उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में भर्ती मरीज के बारे में जानकारी ली तो स्टाफ नर्स ने मरीज की मौत हो जाने की जानकारी दी, जिस पर सभी हक्के बक्के रह गए। इतने में मरीज का पुत्र अस्पताल में नजर आया तो रिश्तेदार उनसे मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने लगे, तो ऐसा सुनकर मरीज का पुत्र हैरान रह गया। इस बात को खारिज करते हुए उसने बताया कि पिताजी तो ठीक ठाक हैं, एकदम स्वस्थ हैं। अब इधर इस बात से मरीज के रिश्तेदार नाराज हो गए, उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ पर झूठी जानकारी देने की बात कहकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। इधर प्राचार्या डॉक्टर अरुण जोशी से इस मामले की जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि ये प्रकरण उनके संज्ञान में ही नहीं है। अगर इस तरह की कोई हरकत चिकित्सा स्टाफ की तरफ से हुई तो उन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया कि हम जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। अब नर्स सुपरिटेंडेंट भी साफ मुकर गई और पल्ला झाड़ लिया है। इधर मरीज के पुत्र की ओर से एक शिकायती पत्र चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को दिया गया है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई होगी या फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है कि सुशीला तिवारी के हाल क्या है। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है, हम छड़ैल पे रहते हैं और हमारे जो घरवाली के भाई साहब बड़े वाले हैं हमारे चेतन जी हैं, तो वो डॉक्टर सुशीला तिवारी में भर्ती है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी के उसमें हम शाम को देखने आए 8:30 बजे, मैं मेरा भाई आया तो हमने चौथी उसमें गए मेडिसिन विभाग में, तो वहाँ आपने पूछा नर्स से तो मैडम कि ये नवीन चंद आ रही है लामाचौड़ कहाँ पे है, कौन से वार्ड में, तो उनने हमें बताया कि वो नवीन चंद आ रही है तो 3:27 में एक्सपायर हो गए, जिससे हमें कि दिल भी दुखा और हमें ऐसी घबराहट हुई कि अभी अभी ऐसा क्या हुआ। उतने में हमारे जो है कि उनके बड़े जेबू के लड़के पंकज हमारे वो सामने से आ रहे थे, उनकी मम्मी आ रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या है, पापा कैसे हैं, उन्होंने कहा पापा तो सामने भर्ती है, तो हमने नर्स से दोबारा कहा तो उनसे एडमिट लगी, बोली हमारी गलती नहीं है, तो जो दिन में स्टाफ नर्स थी उसकी गलती है। उसके बाद हम जोशी जी के पास गए, मैं और मेरे भाई साहब, उन्होंने उनसे वार्ता की, जोशी जी ने यह कहा कि सुबह एक अप्लीकेशन देना, ये तो बहुत दुख की बात है जो हमारा स्टाफ ऐसा कह रहा है, तो इसलिए हमने अभी जो एक अप्लीकेशन लिख के दी है। इंक्वायरी बिठाते हैं, इसमें कार्रवाई करते, इंक्वायरी करते, अगर गलत साबित हो गया तो उनकी अगेंस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तो मेरे संज्ञान में है नहीं, आपसे पहली बार मैं सुन रहा हूँ जी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो उस पर मैं पता लगा लूंगा, मैं मेडिकल स्टूडेंट साहब का बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करिए एक अर्जी दे दीजिए, उसमें तथ्य पता लगा लेंगे कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ जो हम पता लगा लेंगे, और नर्सिंग स्टूडेंट साहब से मैंने आपसे मिलने की कौन सी नर्स थी, अगर ऐसा होता नहीं है फिर भी इनको ऐसा लूज स्टेटमेंट से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी तो जब मृत होगा उसको डॉक्टर ऑन ड्यूटी से बात करनी चाहिए, जो भी होता है डॉक्टर ऑन ड्यूटी होगा उससे बात करें, स्पष्ट करें मरीज को देख करके आए। अब वो कई बार होता है, कई बार एक नाम का एक मरीज होता है, कई बार ऐसा कई मौके होती है, फिर भी अगर ऐसा है तो थोड़ा सा गैर जिम्मेदार ना रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो संज्ञान लेकर इसमें। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।